गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। वेलकम विद दिस भटूरे वाली शक्ल। अच्छा सो फॉर इट्स संडे टुडे, आज ढेरों काम है। मेरी शॉप में आज काम होना है, शिफ्टिंग का थोड़ा काम होना है, एंड आल्सो आज मुझे हैना अप्लाई करने के लिए बहुत ग्रे हेयर हो रहे हैं। काफी दिन से मैं अवॉइड कर रही थी और मैंने सोचा भी था कलर करने का, बट मुझे थोड़ा सा डर था। अभी मेरे दिमाग में थोड़ा था कि मैं नो ब्लीच वाला कलर कर लूँ, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, सो वांट टू हैना टुडे, इसलिए आई डोंट लुक श्योर। सो काम स्टार्ट करने से पहले आई टेक अ ब्रेकफास्ट एंड या दैट्स द प्लान फॉर द डे। सो काम शुरू करने से पहले मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, घर की पूजा मम्मी कर चुकी है, और देन हैना अप्लाई करूंगी, एंड फिर हम आज घर का काम करेंगे। सो या दैट्स द प्लान फॉर द डे। आई एम हेयर, मुझे लगा था इसके लगे रहने से ही काम हो जाएगा, बट वी हैव टू रिमूव दीज। ये पूरा रैक का ये निकलेगा तभी ऊपर सीमेंट का काम हो पाएगा, सो मुझे अभी ये रिमूव करना है। आई डिड नॉट व्लॉग मच टुडे बिकॉज आई डोंट नो, जब से सुबह से उठी हूँ तब से पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, एक जकड़न टाइप होती है ना वो आई एम फीलिंग। बट फिर भी जिस हद तक मैं काम निपटा सकती थी निपटा रही हूँ। यहाँ पर मैं अपनी बेडशीट्स चेंज कर रही हूँ, ऑल्सो आई मेड कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ, एंड यहाँ पर मैंने सारी डिशेज पूरी क्लीन कर दी, रात को करके नहीं सोई थी। एंड मैं जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए अभी यहाँ पर चाय बना रही हूँ, यहाँ पर अभी जस्ट दूध गर्म किया है। फिर उसके बाद में मुझे ये जितने भी कपड़े मैंने कल रात को धोए हुए थे, कल रात को नहीं कल सुबह धोए थे, उसको मुझे करना है पूरा का पूरा सेट, और अपना बेड भी सेट करना है। एंड उसके बाद में मैं झाड़ू एंड पोछा करूँगी इस फ्लोर पे। अभी ये काम रुका हुआ था, इट्स ऑलरेडी 12, क्योंकि अंकल ऊपर भी आए थे काम करने के लिए तो वो चल रहा था। तो जैसे ही मैं चाय बना के दे आती हूँ फिर मैं ये सब सेट करती हूँ। I don't know what is going wrong with me, but जैसे आप नया नया जिम ज्वाइन करते हो, कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग 2-3 डेज कैसे आपको पेन होता है, कभी आपने अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया हो तो बिल्कुल वैसा ही पेन मैं महसूस कर पा रही हूँ मेरी बॉडी में, जबकि मैंने कुछ भी ना एक्सरसाइज किया है, ना योगा किया है, कुछ भी नहीं किया है। आई डोंट नो, आई थिंक कल शाम को जो हमने शिफ्टिंग की उसकी वजह से हो सकता है, आई एम अज्यूमिंग दैट, बट आई जस्ट टुक शार, क्योंकि मैंने ना वो हर बेस्ट थिंग कर ली है अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए, जिसको मतलब करके ना मुझे थोड़ा सा बेटर फील होता है। लाइक न्यू बेडशीट मेक्स मी हैप्पी, डीप एकदम डीप क्लीन बाथ मेक्स मी फील गुड, एंड ऑल्सो हेयर वॉश मेक्स मी फील गुड। अभी ना मैं अपने ये नेल्स भी चेंज करने वाली हूँ, लाइक नेल पेंट चेंज करने वाली हूँ, क्लीन करने वाली हूँ, दैट मेक मी फील गुड, मतलब मुझे अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें करके। तो मैं वो हर बेस्ट कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने आप को अच्छा फील करा पाऊँ, अदरवाइज तो लाइक मैंने सारे काम किए हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश करके, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि मैं ले डाउन रहूँ बेड पे और मेरा संडे ऐसे ही निकल जाए। ऑल्सो आज ट्यूशंस भी हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में मैं छुट्टी देने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने कहा संडेज को ट्यूशंस कर लेते हैं, बट ऐसा तो मेरा दिन प्लान नहीं था आज का जैसा जा रहा है, बट इट्स ऑल राइट। ऑल्सो आपने मुझे प्रीवियस व्लॉग्स में रिया के साथ में एक सनस्क्रीन की अनबॉक्सिंग करते हुए देखा होगा, एंड आई एम लविंग दैट सनस्क्रीन। दिस इज नॉट स्पॉन्सर, नॉट प्रमोशन गाइज, जस्ट शेयरिंग। मतलब लाइक ये ऐसी सिचुएशन में मेरे पास आया था ना जब आई एम सर्चिंग फॉर गुड सनस्क्रीन, मतलब अभी तक मेरे पास ब्रांड्स के जितने भी सनस्क्रीन आते थे आई यूज इट, सारे ही अच्छे थे, बट जब मुझे खुद को सनस्क्रीन खरीदना होता है ना तो आई गो फॉर माई OG सनस्क्रीन, जो दीदी को एक बार उनकी डॉक्टर ने सजेस्ट किया था और मैं वो मेडिकल पे लेने पे गई थी, बट वो अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे, तो फिर वो मैं ले नहीं पाई, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट। और उतने में ये वाला सनस्क्रीन मेरे पास आया, दिस इज यूवी डुएक्स सिलिकॉन जेल सनस्क्रीन जेल, और ये बहुत प्यारा है यार, मतलब आप इसको देखो, इतना सा आपने ड्रॉप लिया है, ये पता है आपके फेस पे कैसा काम करेगा। जैसे आप मेकअप से पहले प्राइमर लगाते हो कैसे आपकी स्किन को एकदम स्मूथ कर देता है, क्लियर कर देता है ना, ये वैसे ही है। और ये देखो कितनी जल्दी ये ब्लेंड हो जाता है, लाइक नो एफर्ट्स, वेरी गुड सनस्क्रीन, वेरी गुड सनस्क्रीन, आई लाइक दिस सनस्क्रीन। अभी आई एम जस्ट ट्राइंग इट बट मुझे पसंद आ रहा है। ओके एंड आई
ऑल्सो वी हैव पार्सल यू गाइज, ये इतना खाली लग रहा है ना, इतना खाली बॉक्स, हमें ऐसा लग रहा है सिर्फ बॉक्स उठा के दे दिया, बट आई नो इसमें क्या है, सो लेट्स अनबॉक्स इट। और ये इसमें जो ब्रांड है ना, वो मैंने अभी तक, मेरे पास उसका एक भी प्रोडक्ट नहीं है, तो दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट एंड आई एम एक्साइटिंग टू ट्राई इट। So this is one bubble wrap. So we have Rene ka coal pencil, midnight coal pencil. The packaging is really really good. Look at this, really good. Premium लग रहा है एकदम। ये मुझे काम के लिए आया है, लाइक मुझे इसके लिए वीडियो करना है। So we have sharpener here, and this is the very luxe, very luxe. You guys, like हाथ में पकड़ के लग रहा है. This is very luxe. Packaging is really really good. काफी efforts डाले हैं. कितने का cost करता है ये? This is $4,450. Worth it. Like packaging is really good. Like ये जो बाहर का outer box है ना, ये भी काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। लेट्स टेस्ट द काजल। ओके, कुछ ऐसे पिन के साथ आता है ये। वेरी पिगमेंटेड, आई लाइक इट। हाथ पकड़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये ऑलरेडी इतना पिन है, ये शार्प होगा। लेट्स सी, अभी तो इतना यूज करने में भी बहुत टाइम लगेगा। वैसे अगर आप मुझसे मेरा फेवरेट काजल पूछोगे ना, इफ आई लाइक इट, मैं जरूर सजेस्ट करूंगी, बट मेरा फेवरेट काजल इज ऑलवेज दिस वन। दिस वन इज फ्रॉम रिकॉर्ड ऑल दैट शी वांट्स कोल काजल। बहुत अच्छा काजल गाइस, ये एक लौता ऐसा काजल है। आई हैव शुगर वन ऑल्सो, बट ये एक लौता ऐसा काजल है जो कि स्मच नहीं करता है, कितने भी लॉन्ग टाइम के लिए आप लगा लो। आई जस्ट लव दिस, एंड ये शार्पेबल है तो आप इजिली शार्प कर सकते हो। आप देख रहे हो, अभी मैंने सिर्फ इसको इतना यूज किया है। एक आई थिंक मैंने सेम काजल दीदी को भी गिफ्ट किया था, एंड आई थिंक आई हैव द पैक्ड वन ऑल्सो। मेरे पास एक और उसका पैक्ड काजल होगा, बट This one is really, really, really good. मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, अगर आपको, आप डेली वेयर में काजल यूज करते हो ना, रिकॉर्ड का काजल यूज करो। दिस इज सो 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 गुड काजल, मतलब बिल्कुल भी स्मज नहीं होता और बहुत अच्छी पिगमेंटेशन है। आई लाइक दिस। आई ऑल्सो हैव दिस शुगर का से रोटेट करने वाला काजल, बट इसकी पिगमेंटेशन मुझे बहुत कम लगती है, मुझे बहुत खिसना पड़ता है तब आता है, बट मतलब इतना ज्यादा मुझे पसंद नहीं। हाँ, अगर आपको एक दो घंटे के लिए वेयर करना है या वीडियोज के लिए, मैं इसको यूज कर लेती हूँ क्योंकि वीडियोज में मुझे छुड़ाना होता है, बट द रिकॉर्ड काजल इज सो गुड। फिर मैं अब ये ट्राई करूंगी एंड आई लेट यू नो कि ये कैसा है। फिलहाल बहुत देर मैंने आई थिंक बकवास कर ली है अब आपसे। आई एम फीलिंग लिटिल गुड नाउ, आई एम गोना अप्लाई अ गुड फ्रेग्रेंस, क्योंकि फ्रेग्रेंस मेक्स मी फील सो 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 गुड, लाइक सो गुड। तो मैं एक अच्छी सी आज फ्रेग्रेंस अप्लाई करूंगी एंड मैं आपको मिलती हूँ कुछ देर में। गाइस, इन टुडेज लंच वी हैव दही एंड रोटी। आज एकदम सादा भोजन मिल रहा है क्योंकि आज है एकादशी, चावल बन नहीं सकते हैं और मम्मी भी नीचे का काम करके आके थक चुके हैं, तो उन्होंने सिर्फ रोटियां बनाई हैं और हम इसको दही से खा रहे हैं। कभी कभार हल्का भी खाना होना चाहिए। गाइस, ट्यूशंस आर डन, नाउ आई एम हैविंग वाटरमेलन आफ्टर सो लॉन्ग। इस बार ना इस गर्मी में ऐसे फ्रूट्स ही नहीं आ रहे जिसको खा के ना शरीर की ऐसा आत्मा की तृप्ति हो जाए। पता नहीं क्यों इसी कारण से मैं आम भी नहीं खा पा रही हूँ, मतलब वाटरमेलन में भी वो स्वाद नहीं है जो पहले आया करता था ना। वाओ, मतलब पहले तो वाटरमेलन खाओ इट वाज लाइक इतना स्वीट होता था, मजे आ जाते थे। अब तो ऐसा लग रहा है बस इसमें कलर है और जो वाटरमेलन का एक्चुअल टेस्ट होता है वो है ही नहीं। सारे फ्रूट्स के साथ यही हाल है, जो मस्कमेलन आ रहा है वो भी वैसे ही आ रहा है, आम जो भी आ रहे हैं वो भी ऐसे आ रहे हैं। लिटरली मेरी इच्छा हो रही है स्पेशली आम खाने में अपने गांव चले जाऊं, ढेर सारे आम खा के फिर रिटर्न आ जाऊं, क्या मजा आएंगे ना, क्योंकि शहरों में तो अब वो आम मिलने से रहे। ऊपर से जैसे जैसे ये वाली न्यूज सुनो, केमिकल वाले आम, ये वाले आम, और भी खाने की इच्छा मर जाती है।
ना तो अभी 5:10 हो रहे हैं और ना ही अभी 5:30 हो रहे हैं। अभी बज रहे हैं 5:40। मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ भेजा तो देखा नहीं क्या? नहीं नहीं देखा इंस्टाग्राम पे। तुम निकलो यहाँ से, तुम ना पान, तुम ना चल गई थी। ओ कब गई तेरी कोचिंग की इंटरव्यू की क्लास चल रही थी सही। और दरा दरा भेजा और तू रील देख भी रही थी ना। तो फिर काय की क्लास, फिर काय की क्लास। ओ जितना तू बोलेगी उतने ही ज्यादा तू पिटने के चांसेस तेरे बढ़ जाएंगे, इससे बेहतर है। तू तो चली तेरी तो मैंने कहा हटो तो कहती चली, मैंने कहा हटती, मैंने कहा तू हटो तो चलो तुम भी आ गए, तो कहती तू तो चली तेरे दोस्त के मैं थोड़ी बुलाएगा मैंने तो। तभी शादी का फोन है डिस्चार्ज, तो मैं उसको दे रही हूँ थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी हम जा रहे हैं पौधों में पानी डालने के लिए सीढ़ियों से, बस लिफ्ट खराब हो गई वो लिफ्ट चप्पल क्योंकि गर्म हो रखा है। फाइन ये हमारे घर पे साफ सफाई करती है गाइस छत की। पौधों को पानी डालो, पौधों की हालत देखो, ये पत्ते कैसे मुरझा गए क्योंकि दिन भर की धूप में थे। तो आज हम ड्यूटी पे हैं पौधों को पानी देने के, क्योंकि मम्मी नीचे गई हुई है और क्योंकि शॉप शिफ्ट कर दी है और छत पे आना बंद होता है, इस टाइम पे आ नहीं पाती हूँ क्योंकि नीचे रहती हूँ। तो आज मैं आपको सनसेट दिखाती हूँ, बहुत सुंदर लग रहे हैं। इधर होता है ये देखो चांद, चांद। अरे तुम सनसेट दिखाओ, सनसेट देखो। अरे गंदी व्लॉगिंग है। सी दिस, सुंदर लग रहा है सनसेट। मैंने बहुत ही गंदा एक मुंह बनाया, देखो तो गाय का तो मैंने बहुत गंदा मुंह बनाया था। तू जा यार, मैं अकेले पानी डाल दूं। नहीं छत पे एकदम नीचे बोला ओ वाला। और उंगली में लग गई एक, तो ये गुलाब देखो उंगली। आज उंगली बोला था ये, आज मैं ना मैंने पूजा नहीं किया ना तो मम्मी तोड़ना भूल गई और ये पूरा सूख गया। कलर्स देख इसके रिया, देखूंगी अब तो देख ही लेना। पापा की चप्पल पाइन एप्पल है इसके अंदर। अब ये वीडियो में रिकॉर्ड हो गया पापा इसने पापा को भेजूंगी अब ये देखो आगे तो पता है पाइन एप्पल 1.5 साल में उगता है तो अभी वो ऐसा हो गया। पापा ये पापा यही है जो है कल मैं इनको थोड़ी ट्रेन कर गई हूँ आर्मी के लिए गाइस। अब ये मैं इनसे कहूंगी यहाँ से कूदो नीचे, ये काम तो जीवन में ना हो पाएगा। पकड़ो देखो गाइस, गाइस हम अपने पूरे पेड़ को उनका खाना खिला के हम यूनिविक कुकीज लेके आ गए हैं अपने घर के एकदम टॉप पे। चांद बताओ इसको, चांद रिया इज ओके, बट रिया के साथ सिर्फ एक तकलीफ है मुझे जीवन में, जैसे कि रिया आज के गानों पे वाइफ करती है तो मैं इसके साथ आज के गानों पे वाइफ करती हूँ। अगर मैंने वो गाना नहीं भी सुना होगा, ये मुझे एक बार बताएगी तो उसके बाद मैं सुन के वाइफ करती हूँ, बट मैं इसके साथ ना मतलब पुराने गानों पे सेम लेवल पे नहीं आ पाती। लेवल सबके निकलेंगे, मेरी वाइफ पुराने गानों में बहुत ज्यादा अच्छी है बट इसके नहीं, ये मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है। इसको भी सीखना चाहिए ना वो वाले गाने जो जिसपे मेरे को आता है, एक ओल्ड सॉन्ग कल ये एक ओल्ड सॉन्ग सीख के आएगी। नहीं मैं तो नहीं लेती जेंजी गानों की क्लासेस, पर फिर भी मुझे तेरा मुझसे कोई
नाता नहीं 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 हाँ? तेरा मुझसे नाता नहीं है नहीं है नहीं है तो क्या था? मेरा तेरे से कोई नाता नहीं है। तेरा मुझसे है पहले का नाता हाँ, हाँ, कोई देखो तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई देखा उसके आगे दोस्त है हम दिल लुभाता कोई जाने तू जाने तू देखा। और ये पता है क्या गाड़ी थी अभी हम रील में हुआ जाने दू थोड़ा कमेंट सेक्शन में बोलो कि थोड़ा मेरे साथ वर्क करना है तो आपको पुराने गाने सीखने पड़ेंगे। आता है मुझे एक पुराना हाँ गाना मेरे सब पुन्नों के गाने का जान दो यार। थैंक यू फॉर द नेल्स She did my nails, उसने पेंट रिमूव किया एंड अप्लाई भी किया एंड नाउ ऑल्सो शी इज़ हेल्पिंग मी इन रोटीज। मतलब हम इससे मजदूरी नहीं कराते हैं गाइज बट मैंने बोला था मैं रोटी बनाऊँगी तो शी वॉज़ लाइक लाओ मैं हेल्प करा देती हूँ। मैंने कहा रुक जा मैं आटा सानूंगी तो शी वॉज़ लाइक मैं कर देती हूँ। आज तो कहीं से सूरज चंद्रमा कहीं अलग दिशा से उग गए हैं ये मेरे को डांट खिलाने वाले काम कर रही है पता है। अभी मम्मी कहेंगे देख ले वो कर रही है मैंने इसीलिए मना किया था मैं कर देती हूँ बट ठीक है कब सीखेगी ये इसके घर तो इसकी मम्मी इसको करने नहीं देती है बचा लेती इसकी मम्मी इसको काम से हम ही सिखाएंगे भाभी हम ही सिखाएंगे इसको सारा काम। मम्मी तेरी शौक हो जाएंगी जब तेरी ससुराल से तेरे को कॉल आएगा अरे उसको तो सब आता है अरे उसकी ट्रेनर ने उसके गुरु ने उसको सब सिखाया है। जैसे ये आटा हो जाता है हम रोटियां बनाएंगे। ये तो तय नहीं था लुक एट हर क्रिएटिविटी लाइक सी दिस उड़ रहा है वो हार्ट गाइस रिया की मम्मी कोई तो 2 मिनट वाली मेहंदी लाई थी तो ये मेरे को घर लेके आई आपको मेहंदी लगाऊंगी तो अभी ऐसी इतनी ही मेहंदी हुई थी और हमें किसी की लड़ाई की आवाज़ आने लगी बाहर तो पहले ये मुझे छत पे लेके गई कि चलो छत पे देखेंगे ये छत पे से दिखाई नहीं दी तो अभी हम अंदर जाते हैं रूम में बैठने के लिए जा रहे थे लेकिन फिर इसने बोला कि चलो यहाँ सोफे पे बैठेंगे यहाँ हमने बिगाड़ लिया देखो मैंने कुछ भी नहीं बिगाड़ा अभी मुट्ठी भी नहीं बांधी इसको लड़ाई सुननी थी इसलिए इसने मेरे को यहाँ बिठाया सोफे पे बाहर। गाइस दिस इज व्हाट रिया क्रिएटेड बस वो जो गुलाब के बीच में वो जो थोड़ा सा गुलाब नहीं है पहली बात तो वो कमल है हाँ वो जो गुलाब के बीच में चंपा चमेली गेंदा है वो जो वो कमल ये एक तैयारी कर रही है हीरा मंडी की एक बार नहीं भैया नहीं नहीं तो गाने पे करेगी सकल बाना तो ये लग चुकी है और कितनी देर रखना है इसको मैं अभी 10 मिनट में छुटा लेती हूँ 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा समय है अब भी छुटा देंगे 2 मिनट बस तो मेरी तो बहुत देर की लगी है मैं तो अभी छुटा सकती हूँ ऐसे देखने में सुंदर लग रही है ये एंड दैट्स हाउ माई मेहंदी लुक्स लाइक ये अच्छी चीज़ है यार मतलब लगाओ और छुड़ा लो ज़्यादा देर तक आपको रखना ही नहीं है ये क्या लगा हुआ है तो सुंदर लग रही है अब ये देखते हैं कि कितने दिन टिकती है फिलहाल कल तो बहुत सारे काम हैं कुछ प्लान भी हैं बट लेट्स सी कितना क्या हो पाता है। फिलहाल अब मैं अपना व्लॉग एडिट करूँगी वही मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पे है एंड अच्छा लग रहा है नई कलर नेल्स पे। चलिए अगर आपने ये व्लॉग यहाँ तक देखा है तो इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा व्लॉग कैसे लगा। मैं आपको मिलती हूँ अपने कल के व्लॉग में। बाय कल फिर आइएगा।